तो हाय एवरीवन, नमस्ते, सस्त्रेकार, केम छो, राधे दे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। तो मैं हूं वैशाली, अभी करंट अफेयर्स मेंटर, वेलकम टू अड्डा 24/7। एक बार मुझे फटाफट से बता दीजिए, क्या मेरी वॉइस आप सभी को ऑडिबल है? मैं आपको विजिबल हूं? टेल मी वंस गाइस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या मेरी वॉइस आप सभी को ऑडिबल है? मैं आपको विजिबल हूं? यस, मेरी वॉइस आप सभी को ऑडिबल है, राइट? चलिए, सो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज हमको ज्यादा ही गोरे गोरे लग रहे हैं, है ना? ये सब कमाल है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास। यू नो, वी विल बी कवरिंग वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ टुडे। इसके साथ ही साथ, एज यू ऑल नो कि कल क्या है, 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को बहुत कुछ है, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ बताना है आपको। तो उससे पहले आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू कि आप एक बार सेशन को फटाफट से, यू नो, सेशन को फटाफट से शेयर कर देंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आई एम गुड, आई एम गुड, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू मस्ट बी फाइन एंड डूइंग गुड, राइट? बताइए, बढ़िया है? गुड मॉर्निंग सौरभ किशोर, गुड मॉर्निंग निखिल, गुड मॉर्निंग शैलेश, गुड मॉर्निंग गुंजन, देन गुड मॉर्निंग नंदिनी, गुड मॉर्निंग कनिष्का, सिद्रा, रॉय, एवरी वन, वंशिका, जेपी यादव, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन विद अ वेरी वार्म मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड आज के सेशन में हम करंट अफेयर्स एनालिसिस कवर करेंगे, एमसीक्यू सेशन कवर, जनरल नॉलेज सेशन कवर करेंगे। एमसीक्यू करवाते करवाते आदत सी हो गई है, क्या करूं, आदत सी हो गई है, राइट? सो आज के सेशन में बेसिकली हम करंट अफेयर्स एनालिसिस और जनरल नॉलेज यहाँ पर करने वाले हैं। उसके साथ ही साथ हम यहाँ पर डिटेल में सारी चीजों को कवर करेंगे। ये जो सेशन है ये आपके सारे सीयूडी, यूजी एंड पीजी दोनों एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है और अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, राइट? तो यू नो, ये चीज हो गई। दूसरी बात ये हो गई, सो यू नो, एज यू ऑल नो कि 26th of January है, रिपब्लिक डे है कल, एंड वी आर हैविंग यू नो मैक्सिमम डिस्काउंट, दैट इज 20% डिस्काउंट आपका दो दिन के लिए है, जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है। 25th of Jan से स्टार्ट हो रहा है 20% डिस्काउंट, एंड इट विल गो ऑन टिल यू नो 26 जनवरी शाम को 11:59 PM तक, ठीक है? तो मतलब कल दो दिन का आपके पास टाइम है, और आज और कल का टाइमिंग है। अगर इफ यू वॉन्ट टू परचेज द मॉक टेस्ट, इफ यू वॉन्ट टू परचेज यू नो दैट ई बुक्स और बुक्स और यू नो आपकी जो बैचेस हैं, अगर आपने परचेज करना है तो यू कैन गो एंड परचेज इट। यू विल बी गेटिंग द मैक्सिमम डिस्काउंट फॉर 2 days, राइट? एंड दिस इज द रिपब्लिक डे ऑफर, क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ते हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं। सो एज द थॉट ऑफ द डे सेज मोटिवेशन, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो तरीके के मोटिवेशन है, एक इंट्रेंसिक मोटिवेशन और एक एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है आपके लिए, इंट्रेंसिक मोटिवेशन, अंदर की, अंदर से जो मोटिवेशन आता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर जो एक्सटेंसिव मोटिवेशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? ओके, और अभी बच्चे, कुछ बच्चे बोले मैम डाउट है बहुत ज्यादा, तो डाउट है तो किसी चीज से भी रिलेटेड आपको डाउट हो सकता है, डाउट है तो इसी सेशन के नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप सभी गूगल फॉर्म में आप अपने अपने डाउट्स, या फिर आपको जब भी जो परचेज करना हो, कुछ भी करना हो, तो आप यहाँ पे गूगल फॉर्म जो है भर सकते हैं, ठीक है? गूगल फॉर्म भर लीजिएगा, आई विल बी कॉन्टैक्टिंग यू डायरेक्टली, कॉलिंग यू, ठीक है? यस। इसके साथ ही साथ 20% आपको कब मिलेगा, जब आप कूपन कोड यूज करोगे Y455, ये मेरा कूपन कोड है जब आपको यूज करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, क्लियर एवरीवन? राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन ऑफ टुडे। सो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आता है आपका इनर मोटिवेशन, अंदर से आपकी जब आत्मा कहेगी तभी आप सुबह उठोगे और सेशन को देखोगे। जैसे यहाँ पे जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनके अंदर अंदर से मोटिवेशन है कि नहीं, हमें कुछ करना है, कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति रखते हैं, यू नो दैट्स व्हाई यू आर यू नो अवेकिंग। मतलब आराम से उठते 8-9 बजे, लेकिन अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो आपके अंदर अंदर से मोटिवेशन है कि नहीं भाई, हमको अचीव करना ही है, हमारे पास कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं, तो हमको इस बार करना है तो करना है, राइट? तो ये थॉट प्रोसेस के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो टुडे वी विल बी कवरिंग द करंट अफेयर्स एनालिसिस, जनरल नॉलेज सेशन रहने वाला है, राइट? और इस बार का जो संडे रहेगा उसमें हम इस महीने की पूरी करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, राइट? तो आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू कि आप एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा,
दया सागर गुप्ता पूछते हैं मैम करंट अफेयर्स का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? सेशन दे लो दोपहर तक, इसी सेशन के नीचे आपका उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है जीए बाय वैशाली पांडे, आप वहां पर जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन? चलिए, सो ये हमारी जो बैच है समर्थ बैच, समर्थ प्लस बैच, और जितनी भी डोमेन से है, इंग्लिश जनरल टेस्ट है, हमारी पीजी की बैचेस है। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, अभी तक नहीं किया है, यू आर वेटिंग फॉर दी ऑफर, तो अभी 2 दिन का ऑफर है आपके पास मैक्सिमम डिस्काउंट का। तो आप जाकर कुछ भी आपको परचेज करना है, आपको रिक्वायर्ड है कि आपने मुझे एग्जाम क्रैक करने के लिए इसकी जरूरत है, आप यू कैन गो एंड यू नो हैव दिस। ठीक है, जब आप परचेज करेंगे तो आप कूपन कोड यूज करेंगे Y455 एंड यूजिंग दिस यू विल बी एबल टू गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट। क्लियर एवरीवन? चलिए, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो आर यू ऑल रेडी? से यस मैम वी आर रेडी। से यस मैम वी आर रेडी। बताइए रेडी है? हाय हनी सर की हनी, हनी सर की हनी आई हमारे सेशन में। ओए होए, ओए होए, ओए होए, ओए होए, आज मेरी फर्स्ट क्लास है। नाइस नाइस, हनी सर की हनी। अभी मैं हनी सर को कॉल करके बोलती हूँ सर आपकी हनी आई थी क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट राइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग विद अ वेरी वार्म मॉर्निंग, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन ऑफ। तो आज का पहला करंट अफेयर्स क्या है? श्यामल भाई बी पटेल अपॉइंट्स एज द चेयरपर्सन ऑफ अमूल। अमूल, अमूल दूध पीता है इंडिया, है ना, अमूल, राइट। सो अमूल जो है इसके चेयरपर्सन बना दिए हैं श्यामल भाई बी पटेल, याद रखना आप सब। अगर हम इनके बात करें, अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की इसी में से बात करते हैं, तो रेवोल्यूशन आप पढ़े होंगे ये टॉपिक, रेवोल्यूशन इन इंडिया, राइट। रेवोल्यूशन इन इंडिया जो टॉपिक है वो बेसिकली, रेवोल्यूशन इन इंडिया में एक रेवोल्यूशन हमारा आता है, कौन सा? व्हाइट रेवोल्यूशन। कौन सा आता है बेटा? व्हाइट रेवोल्यूशन आता है, जिसके जनक कौन है आप सभी को पता है, वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन कौन है? फाउंडर है आपके किसके? व्हाइट रेवोल्यूशन के। सबसे इस रेवोल्यूशन के पीछे सबसे ज्यादा यू नो किसका रहा है हाथ रहा है, या किसका सपोर्ट रहा है, या किसका एक कह सकते हैं यू नो किसकी वजह से इतना ग्रोथ कर ले गया, वो था आपका अमूल, राइट। अमूल, कोई इसका फुल फॉर्म बताएगा कि अमूल का फुल फॉर्म क्या होता है? अमूल का फुल फॉर्म क्या है, कोई मुझे बताएगा क्या कि अमूल का फुल फॉर्म क्या है? तो व्हाइट रेवोल्यूशन सबसे ज्यादा यहाँ पर ग्रोथ कर ले गया बिकॉज ऑफ अमूल, क्योंकि एज यू ऑल नो कि व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? मिल्क के प्रोडक्शन से, राइट। आपका दूध सफेद कलर का होता है ना, तो इसीलिए इसका नाम व्हाइट रख दिया गया। और सबसे ज्यादा किसने यहाँ पे योगदान दिया है? अमूल ने दिया है। अभी श्यामल भाई बी पटेल को यहाँ पे अमूल का चेयरपर्सन बना दिया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉफी ठंडी हो गई। एनीवेज, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, वेरी गुड ऋतु गुप्ता। अमूल का फुल फॉर्म क्या है? आनंद मिल्क, वेरी गुड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और कोई बताएगा? और कोई बताएगा क्या ये बच्ची सही बोल रही है? रितु गुप्ता सही बोल रही है। गुड मॉर्निंग नमन, हाउ आर यू? राइट, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है, जिसे हम GCMMF बोलते हैं। ध्यान से सुनना, आंख नाक मुंह कान पैर खोल के सब लोग ध्यान से एकदम करंट अफेयर्स को एकदम घुस के देखेंगे। कम करंट अफेयर्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम जनरल नॉलेज सेशन में आएंगे, ठीक है। एकदम फोकस करके देखेंगे सब सभी लोग, राइट। ये देखिए सीईओ ऑफ अड्डा 24/7 आए हैं, बोलते हैं हेलो मैम, आई एम हैप्पी टू नोटिफाई यू दैट यू विल बी गेटिंग अ सैलरी हाइक ऑफ 25% फ्रॉम दिस मंथ ऑनवर्ड्स। ये मैं ना ये इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैं अपने सीईओ को भेजूंगी। कुछ भी गजब, इसको तो मैं अपने सोशल मीडिया साइट पर लगाने वाली हूँ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ए GCMMF दैट मार्केट मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स अंडर द अमूल ब्रांड हैज अनाउंस द अपॉइंटमेंट्स ऑफ श्यामल भाई बी पटेल एज द चेयरपर्सन एंड द
वलम जी भाई हम्बल एज दी वाइस चेयरपर्सन, ठीक है। तो ध्यान से सभी लोग देखेगा, इसमें जो GCMMF है राइट, इन्होंने यहाँ पे जो अमूल ब्रांड है, आप सभी को पता है अमूल, अमूल का आप दही खाते होगे, दूध पीते होगे, आप यहाँ पे वो रबड़ी खाते होगे, कुछ भी खाते होगे, दूध पनीर खाते होगे ना, तो बेसिकली अमूल का है। अमूल ने यहाँ पे अपॉइंट किया है सामल भाई बी पटेल को एज दी चेयरपर्सन, ध्यान से सुना चेयरपर्सन। लेकिन वाइस चेयरपर्सन किससे बनाया गया है, ये है आपका वलमजी भाई हम्बल, वलमजी भाई हम्बल राइट। आप कैसे याद कर सकते हो इनका नाम, कैसे याद कर सकते हो, सांभर है ना, वो कहते ना इडली सांभर, सांभर से याद कर सकते हो ये चेयरपर्सन है। और हम्बल, ही इज अ वेरी हम्बल पर्सन, HUMBLE, हम्बल, हम्बल पर्सन, ये आपके वाइस चेयरपर्सन हो गए अमूल के राइट। तो सांभल भाई भी पटेल है, या फिर आप कर सकते हो भाई भाई, या फिर आप यहाँ से याद रख सकते हो भाई भाई, है ना। सांभर से आपका सांभल भाई भी पटेल हो गया, ये चेयरपर्सन हो गया अमूल के। और वलम जी भाई हम्बल, तो ये कौन है, ये आपके वाइस चेयरपर्सन हो गए, ठीक है, क्लियर है। गुड मॉर्निंग एवरी वन, गुड मॉर्निंग राइट। तो आगे बढ़ते हैं, अमूल के फाउंडर्स कौन है, हु इज द फाउंडर ऑफ अमूल, वर्गीज कुरियन है और यहाँ पे किशी भाई पटेल है, ये आपके अमूल के फाउंडर्स है, ठीक है। अमूल का हेडक्वार्टर किधर है, आनंद, आनंद जो है ये आपके गुजरात में है, बेसिकली ये अमूल का हेडक्वार्टर है। तो आज तो आपको पता चल गया कि अमूल का हेडक्वार्टर किधर है, गुजरात में है, ठीक है। कोई मम्मी आपसे पूछे कि यार अमूल की दुकान खुली नहीं है, तो बोला मम्मी से, मम्मी मैं जा रहा हूँ गुजरात हेडक्वार्टर, वहां मैं बताता हूँ कि क्यों अमूल की दुकान नहीं खुली है ना। तो अमूल का हेडक्वार्टर किधर है, गुजरात में है। अमूल एस्टैब्लिश कब हुआ था, 14th of December 1946 को आपका अमूल जो है एस्टैब्लिश यहाँ पर हो गया था, क्लियर है एवरीवन। आज हम कुछ ज्यादा ही गोरे 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 दिख रहे हैं, गोरी परी, आज हम गोरी परी दिख रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा पास्ड अवे राइट, पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा का यहाँ पर निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसका इसमें देखते हैं इसमें है क्या। देखिए वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे फॉर्मर, मतलब पहले ये वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे एयर मार्शल, इनका नाम है हरजीत सिंह अरोड़ा, क्या नाम है, हरजीत सिंह अरोड़ा, इनका हाल ही में निधन हो गया 61 इयर्स की उम्र में, ठीक है। ये ऑफिसर रहे हैं इंडियन एयर फोर्स में, इन्होंने वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद संभाला है 2021 में, क्लियर है एवरीवन। हाँ गोरी ने येलो दिख रहा है, अच्छा पीलिया हो गया, पीलिया मुझे, आगे बढ़ते हैं। अरे भगवान, कभी कभी कहते हैं ना मुंह में सरस्वती बैठती है, नहीं भगवान कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर और मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये देखो सीईओ फंडा 24/7 कहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स Y455 कोड यूज करके बुक या कोर्स करेगा उसको, उनको कल 20% डिस्काउंट मिलेगा। ये देखो मतलब यो, मतलब यार मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है, आई कांट कंट्रोल इट, ठीक है। चलो फोकस करो, नहीं अभी बच्चे कहेंगे मैडम आज क्या हो गया मैडम को। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। मक्का गॉड्स वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कैलीग्राफिक मूरल ऑन रोड टू मक्का ग्रैंड मॉस्क, मक्का की ग्रैंड मस्जिद की सड़क पर मक्का को दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल यहाँ पर बना दिया गया है राइट। आगे बढ़ते हैं, इसमें है क्या देखते हैं। देखिए वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कैलीग्राफिक मूरल मक्का, ठीक है, जो कि आपका ग्रैंड मॉस्क रोड है आपके मक्का में, इसको फीचर किया गया है एज दी लॉन्गेस्ट कैलीग्राफिक पेंटिंग आपके वर्ल्ड में राइट, वर्ल्ड में राइट। अच्छा ये जो एडिशन है आपका, ये होली सिटी एस्थेटिक अपील के लिए था, मतलब ये जो एडिशन था बेसिकली। अच्छा ये 75 मीटर मूरल जो है ये आर्टिस्ट के द्वारा क्रिएट किया गया था, उनका नाम क्या था, अमल फेलबन, इनका नाम क्या है, फेलिमम्बम, ठीक है, यहाँ पे इनके द्वारा अमल फेलिमम्बम, कौन नाम रखता है ये बम, बैन फेलेमम बैन फेलेमम्बन, ठीक है। तो अमल फेलिमम्बन इज वन ऑफ द नंबर ऑफ द स्क्रिप्चर्स एंड इंस्टॉलेशन, तो ये बेसिकली उनके द्वारा यहाँ पर प्रिपेयर किया गया था, क्लियर है एवरीवन, क्लियर राइट। सो याद आपको किस क्या रखना है, याद बस इतना ही रखना है कि ये जो बेसिकली वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कैलीग्राफिक म्यूरल है, ये आपके ये आपका सबसे लंबा आपका कैलीग्राफिक म्यूरल बन चुका है, मक्का का ग्रैंड मस्जिद की जो सड़क है उस पर मक्का को दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल यहाँ पर मिला है, क्लियर है एवरीवन। बाजीगर पे बाजीगर, अमल फिल्म, बिल्कुल
ठीक है। सो मक्का की ग्रैंड मस्जिद की सड़क पर मक्का को दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल यहां पर मिला है। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आईआईएम अहमदाबाद नेम्ड प्रोफेसर भारत भास्कर एज द न्यू डायरेक्टर। आईआईएम अहमदाबाद ने प्रोफेसर भारत भास्कर को नए निदेशक के रूप में यहां पर नामित किया गया है। आप इनकी शक्ल देख पा रहे होंगे राइट। चलिए देखते हैं इसमें है क्या। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद है, IIMA अहमदाबाद, इन्होंने अपॉइंट किया है। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन, ये जो आपका करंट अफेयर्स है, ये आपके अपॉइंटमेंट में आता है राइट, और अपॉइंटमेंट आपके एग्जामिनेशन में आता ही आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है राइट। सो गाइज यहाँ पर जो आपके IIM अहमदाबाद के जो बेसिकली इन्होंने अपॉइंट किया है IIM लखनऊ के प्रोफेसर हैं भारत भास्कर को, ठीक है, 5 साल के लिए इनको डायरेक्टर के रूप में नामित किया है। क्लियर है एवरीवन राइट? हाँ, और जो अभी प्रेजेंट में डायरेक्टर है उनका उनका नाम क्या है, एरोल डी सुजुका। शिजुका नहीं, वो जो आती है डोरेमोन, डोरेमोन शिजुका, वाली शिजुका नहीं है, ये इनकम्बेंट डायरेक्टर है एरोल डी डूगा, पता नहीं क्या नाम है, डिसूजा, सॉरी डिसूजा, शिजुका मुझे डी दिखाई नहीं, डिसूजा, तो एरोल डी डिसूजा इनका नाम है। क्लियर है एवरीवन? तो अभी प्रेजेंट में डायरेक्टर कौन है, एरोल डिसूजा है। इनका टर्म जो है January 31st को एंड हो जाएगा और इनकी जगह पर कौन बन चुके हैं, इनकी जगह पर भारत भास्कर जो है बन चुके हैं। क्लियर है एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, मजेदार करंट अफेयर्स है ना। नेक्स्ट देखते हैं, एयरफोर्स टू कंडक्ट पूर्वी आकाश एक्सरसाइज इन द नॉर्थ ईस्ट। तो वायुसेना पूर्वोत्तर में पूर्वी आकाश अभ्यास यहां पर करेगी। क्लियर है एवरीवन? चलिए इसमें देख लेते हैं इस न्यूज में है क्या। देखिए इंडियन एयरफोर्स ये विल रन द मैसिव एयर एक्सरसाइज प्रलय टू एक्सेस द ऑपरेशन रेडीनेस। द सिग्निफिकेंट एक्सरसाइज विल टेक प्लेस इन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द नॉर्थ ईस्ट इन्वॉल्विंग ऑल द सिग्निफिकेंट एयरफोर्स यूनिट। क्लियर है एवरीवन? राइट, तो ये देखिए जो एयरफोर्स है ये आपके पूर्वी आकाश एक्सरसाइज करेगी कहां पर, नॉर्थ ईस्ट में राइट। तो ये आपको याद रखना है, हमने बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस यहाँ पर पढ़े थे राइट, अगर आपको याद हो तो हमने बहुत सारे यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइजेस पढ़े थे। किसको किसको याद है? अच्छा मैं कुछ पूछती हूँ, बताओ इंडिया और जापान में कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट होती है, इंडिया और जापान में फटाफट से कॉमेंट करके पढ़ो, इंडिया और जापान में कौन सी एक्सरसाइज यहाँ पर करती है, अमन बताइए इंडिया और जापान में कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट होती है, फटाफट से कमेंट करके बताइए। गौरव बोलते शक्ति, और बताओ हनी सर की हनी बताओ, उसके अलावा बताइए ठीक है। सो हमारी इंडियन एयर फोर्स ने एक एक्सरसाइज प्रलय ये जो है ऑपरेशन कर दी है राइट। अच्छा ये पता है ये जो है और ये जो हेडलाइन है ना ये थोड़ा सा अलग है राइट, ये आपके वन लाइनर्स में आ सकता है और ये आपकी यहाँ पे क्या है, ये आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है और ये अलग करंट अफेयर्स है ठीक है। क्लियर है एवरीवन? तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए इंडियन एयरफोर्स ये रन कर रहा है अपना क्या मैसिव एक्सरसाइज, भारतीय वायुसेना अपनी परिचालक तत्परता का आकलन करने के लिए बड़े पैमाने पर वायु अभ्यास प्रलय यहाँ पर चलाएगी ठीक है। चलिए सो जो महत्वपूर्ण अभ्यास है भारत के पूर्वोत्तर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास होगा जिसमें वायुसेना की सभी महत्वपूर्ण जो इकाइयां हैं ये शामिल होंगी। अच्छा मुझे कमेंट करके बताइए इस बार रिपब्लिक डे में, इस बार रिपब्लिक डे में हु इज गोइंग टू बी द चीफ गेस्ट, हु इज गोइंग टू बी द चीफ गेस्ट, किसी को पता है हु इज गोइंग टू बी द चीफ गेस्ट? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं राइट। तो ये जो एक्चुअली ये जो हेडलाइन है और ये जो एक्सप्लेनेशन है ये दोनों ही डिफरेंट है, ये आपका अलग आपका न्यूज है ठीक है, इट इज अलग न्यूज। तो एयरफोर्स कंडक्ट कर रहा है पूर्वी आकाश एक्सरसाइज नॉर्थ ईस्ट, एक मिनट वेट अ सेकंड, ओके नहीं नहीं सही है बेटा सही है ये और ये एक्सप्लेनेशन भी सही है ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपका आपका वायुसेना पूर्वोत्तर में पूर्वी एक्सरसाइज अभ्यास यहाँ पे करेगी कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में। तो इस ये जो एक्सरसाइज है ये कौन सी है, इसका नाम है प्रलय। क्लियर है एवरीवन राइट?
इस बार कौन आ रहा है चीफ गेस्ट? आपने शॉर्ट्स देखा होगा, रिपब्लिक डे पे जो चीफ गेस्ट है वो कौन है? वो है हमारे कौन, आपके इजिप्ट। ठीक है, इनका नाम क्या है? अब्देहल फतेह अल सीसी। अब्देह फतेह अल सीसी जो है इस बार इजिप्ट के यहां पर क्या है, प्रेसिडेंट है, वो यहां पर एज अ रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट रहेंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम और इसके बारे में बात करें, तो मैंने कल आपको जब मैंने शॉर्ट्स बताया था, तो मैंने मिस्र बोला था। मिस्र बेटा, इजिप्ट का आपका दूसरा नाम क्या है? मिस्र है। ठीक है, इसको यहाँ पे हम मिस्र भी बोलते हैं, मिस्र हिंदी में इसको मिस्र भी बोलते हैं, और इजिप्ट भी बोला जाता है, मिस्र भी बोला जाता है। ठीक है, दोनों है। तो बहुत सारे बच्चे कॉमेंट करते हैं, नहीं मैम मिस्र नहीं होगा, क्या नाम है यहाँ पे, ये प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट है। बिल्कुल, तो इजिप्ट का दूसरा नाम आपका मिस्र है। ठीक है, तो बेसिकली अब्देह फतेह अल सीसी जो है, इनको इनवाइट किया था हमारे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि यहाँ पर ये चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपकी इजिप्ट की जो वो है, क्या बोलते हैं, जो आपकी इजिप्ट सेना की जो टुकड़ी है वो भी यहाँ पर हमारी सेना के साथ भाग लेगी। ठीक है, तो बेसिकली आपकी रिपब्लिक डे कल ही है और कल ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, BSF ऑर्गेनाइजेस ऑप्स अलर्ट एक्सरसाइज टू स्टेप अप सिक्योरिटी अलोंग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। तो यहाँ पे जो आपका BSF है, उसने भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास, इसका आयोजन यहाँ पर किया है। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है गाइस? अच्छा, देखो CEO फर्डर 24/7 ने अपना नाम चेंज कर लिया, आयुष कश्यप रख लिया है। ठीक है, बिल्कुल राइट। तो आगे CEO फर्डर 24/7 मैं कमेंट करके पढ़ रही हूँ, अगर हमारे CEO देख रहे हो तो ये हमें कमेंट पढ़ रही हूँ, सर आपको नहीं बोल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दैट इज BSF, उन्होंने अनाउंस किया है दैट जो आपके रिपब्लिक डे का यहाँ पे यू नो प्रिपरेशन हो रहा है, इसने यहाँ पे ऑप्स अलर्ट को यहाँ पर तैनात कर दिया है। ठीक है, सो बेसिकली सीमा सुरक्षा बल ने घोषणा यहाँ पर की है कि गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी में हम, उसमें सैनिकों ने गुजरात को कच्छ क्षेत्र और राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लक्ष्य में हमने ऑप्स अलर्ट यहां पर शुरू किया है। क्या, कौन सा अलर्ट शुरू किया है? ऑप्स अलर्ट यहां पर शुरू किया है। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है गाइस? राइट, आगे बढ़ते हैं। राइट, सो गाइस वी हैव कंप्लीटेड आवर करंट अफेयर्स एनालिसिस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर जनरल नॉलेज। और आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? फेस्टिवल्स। राइट, ये सारे टॉपिक्स हमको कवर करने हैं, धीरे धीरे हम सभी सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। नहीं, हनी सर की हनी बिल्कुल होगी बेटा, हनी सर को बोलूंगी कि हनी सर की हनी को ऐसे बोलना, हनी वेयर आर यू। राइट, सो गाइस वी हैव कंप्लीटेड द करंट अफेयर्स एनालिसिस, नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द जनरल नॉलेज। और जनरल नॉलेज में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं फेस्टिवल, और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन उससे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय फेस्टिवल? फेस्टिवल एक तरीके का एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, जब आप खुश होते हो तो आप एक्सप्रेशन कह रही हूँ, एक तरीके का कल्चर बोल सकते हैं। हर एक स्टेट का एक हर एक स्टेट का एक अपना कल्चर होता है, वहाँ की अपनी संस्कृति, वहाँ की अपनी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हर एक स्टेट का एक अपना डांस फॉर्म है, एक अपना फेस्टिवल है, एक अपना ही उनका एक ड्रेस है, लैंग्वेज है। तो हर एक स्टेट का एक अपना अपना फेस्टिवल, इसीलिए हम कहते हैं दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, राइट? एक और इसी में हम एकता यहाँ पर रखते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, राइट, एज वी से इट। तो बेसिकली हमारा इंडिया ये डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारे ड्रेसेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारे तरीके के लोग, अलग अलग कल्चर होता है, और इसी से हमारा क्या है, इसी में हम बहुत ज़्यादा खुश यहाँ पर रहते हैं। तो अगर हम फेस्टिवल्स की बात करें, हर एक स्टेट का एक अपना फेस्टिवल होता है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आ जाता है, जैसे मान लो कोई रीसेंट फेस्टिवल हुआ, राइट, तो इसका एग्जामिनेशन में यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि ये फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है, राइट। तो हर एक फेस्टिवल का एक अपना महत्व है। जैसे अभी आपका जनवरी चल रहा था, तो आपका यहाँ पे जैसे माघ मेला होता है, माघ होता है यहाँ पे, मकर संक्रांति होती है, तो बेसिकली जब एक नया यहाँ पे हार्वेस्ट सीजन आता है तो मकर संक्रांति करते हैं, जब मतलब
बिगिनिंग ऑफ द न्यू हार्वेस्ट सीजन, राइट? पोंगल अभी हुआ था, राइट? और बहुत सारे फेस्टिवल्स अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किए गए थे. न्यू ईयर था, राइट? अभी रिपब्लिक डे आने वाला है, तो हर एक स्टेट का एक अपना यहाँ पर फेस्टिवल है. क्लियर है एवरीवन? राइट. इसके साथ ही अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, सो हमारे आंध्र प्रदेश में कौन कौन से फेस्टिवल है? आपकी भीष्मा एकादशी होती है, आपकी उगाड़ी फेस्टिवल, डेक्कन फेस्टिवल, पितृ ब्रह्मोत्सव होता है. तो हर एक स्टेट का एक अपना यहाँ पे फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है. अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो जैसे लोसार है, मुरुंग है, सोलांग, मोपिन, मोनपा फेस्टिवल यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं. उसके साथ ही साथ आसाम की बात करेंगे, आसाम में आपका भोगाली बिहू यहाँ पे फेस्टिवल ऑब्जर्व करते हैं. बिहार में आपका छठ पूजा होता है, छत्तीसगढ़ में आपका माघी पूर्णिमा है, गोवा में आपका कार्निवल फेस्टिवल. क्लियर है एवरीवन? क्लियर है? समझ में आ रही बात? मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी को? एक बार मुझे बता दीजिए फटाफट से, क्या आप सभी को लगता है मेरी वॉइस क्लियर है गाइस? राइट राइट. गोवा में आपका कार्निवल फेस्टिवल है, इंपॉर्टेंट है, कार्निवल सनबर्न फेस्टिवल. गुजरात में आपका नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है. लगता नहीं है मैम, क्लियर है? क्लियर है कि क्रिस्टल क्लियर है? अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लियर, क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर. क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर में अंतर होता है. क्लियर मतलब सब सफा हो गया, आपने जो पढ़ाया कुछ नहीं समझ में आया, सब क्लियर. क्रिस्टल क्लियर मतलब एकदम से एकदम समझ में आ गया, राइट? तो क्लियर है या क्रिस्टल क्लियर? क्लियर मतलब जब कुछ नहीं समझ में आता, क्रिस्टल क्लियर मतलब जब सब समझ में आने लगता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं, है ना? तो हिमाचल प्रदेश, बेसिकली हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, गोची फेस्टिवल होता है यहाँ पे, रखा दुमनी होता है. हरियाणा में आपका बैसाखी, सूरजकुंड मेला होता है. जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, हर नवमी होती है छारी बहु मेला यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं. कर्नाटका में मैसूर दशहरा, उगाड़ी होता है. केरला में ओनम होता है, विशु होता है ना, विशु फेस्टिवल. छठ पूजा बिहार में होता है, बिल्कुल. यूपी में भी होता है कई कई जगह पे. एमपी में आपका लोक रंग उत्सव, तेजाजी खजुराहो फेस्टिवल ऑब्जर्व करते हैं. मेघालय में आपका नोंग्रेम फेस्टिवल या खासिस फेस्टिवल ऑब्जर्व होता है, राइट? महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, गुड़ी पड़वा होता है ना? हाँ. फिर मणिपुर की बात करेंगे, याओसांग है, पोरांग है, छवांगकुट है. मिजोरम में छप चाप चरकुट फेस्टिवल. नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, हॉर्नबिल फेस्टिवल. आपका मुत्सु फेस्टिवल ऑब्जर्व करते हैं. ओडिशा में आपका रथ यात्रा या राजा पर्व होता है. पंजाब में आपका लोहरी बैसाखी फेस्टिवल. फिर राजस्थान में आपका गंगौर तीज बुद्धि फेस्टिवल ऑब्जर्व करते हैं, राइट? इसके साथ ही साथ सफेदी की चमक मैम के सेशन से आए सबकी पसंद वैशाली मैम, वैदाली मैम. बेटा वैदाली नाम नहीं है, मेरा नाम वैशाली और मैंने नाम गलत लिखा है, वैसे ही लिखा है और वैदाली लिखा है. मेरा नाम, इतना नाम क्यों बिगाड़ रही हो रितु, मेरी बच्ची नाम क्यों बिगाड़ रही हो मेरा? मेरा नाम वैशाली है, VAISHALI. मुझे जो छठ फेस्टिवल होता है, छठ में आपका वो बनता है ना ठेकुआ, आई लव ठेकुआ. क्या आपको पसंद है ठेकुआ? क्या आपको भी पसंद है ठेकुआ? सिक्किम, सिक्किम की बात करेंगे. सिक्किम में आपका लोसार, सागा दावा. तमिलनाडु में आपका पोंगल होता है. पोंगल क्या होता है बेटा, बोलो मुझसे अपने, पोंगल होता है. तेलंगाना में आपका बोनालू या फिर आपका बोनालू आपका और या फिर आपका बथुकामा. त्रिपुरा में आपका कराची पूजा ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है? रंजीत बोल रहे आई एम फ्रॉम बिहार, आइए ना हमारा बिहार में. वेस्ट बंगाल दुर्गा पूजा होता है. उत्तरांचल में आपका दशहरा, गंगा दशहरा, कुंभ मेला होता है. उत्तर प्रदेश में रामनवमी, गंगा महोत्सव, नवरात्रि. उत्तर प्रदेश का डांस पता है क्या है? और महाराष्ट्र का पता है क्या डांस? महाराष्ट्र बताइए, महाराष्ट्र का डांस कौन सा है? महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा डांस होता है? महाराष्ट्र का डांस नहीं, महाराष्ट्र में कौन सा डांस होता है? टंकी होता है? नहीं नहीं मैम, आप कहां से हो? बताती हूँ मिस्टर जय, आइए ना हमारा भी मैं का नाटक ना बोलते हैं नाटक. यूपी में आपका नौटंकी होता है, नौटंकी.
याद रखना, यूपी में आपकी नौटंकी होती है, नौटंकी डांस, लेकिन आपके महाराष्ट्र में क्या होता है, तमाशा, तमाशा, राइट, तमाशा। तो उत्तर प्रदेश में नौटंकी और महाराष्ट्र में तमाशा, नौटंकी यूपी और तमाशा महाराष्ट्र में, ठीक है, याद रखो। तुमको नौटंकी करनी हो तो चले जाना उत्तर प्रदेश, अगर तुमको तमाशा करना हो तो चले जाना मुंबई, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, वी हैव कंप्लीटेड आर करंट अफेयर्स एनालिसिस, और हमने यहाँ पे जनरल नॉलेज सेशन भी कवर कर लिया है। सो एज यू ऑल नो, आप सभी को मैं एक चीज बताना चाहूंगी, आपको अगर बुक्स लेनी हो अट्टा 24/7, या टेस्ट सीरीज लेनी हो, राइट, टेस्ट सीरीज लेनी हो, या फिर आपको बैच परचेज करना हो, समर्थ प्लस, यूजी, पीजी, कोई भी बैच, रिपब्लिक डे का ऑफर चल रहा है आज और कल के लिए वैलिड है, टुडे एंड टुमोरो, टुडे एंड टुमोरो, राइट। ये मेरा कूपन कोड है Y455, Y455, इसको यूज करके आप परचेज कर सकते, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा जो 2 दिन में है, ठीक है एवरीवन। हाँ, Y455, क्लियर एवरीवन, राइट। थैंक यू सो मच गौरव, तो मेरे बर्थडे, तो मुझे कितना मानते हो कि तो मेरा बर्थडे भी तुम्हें याद है। मेरा बर्थडे आज नहीं है, 25 जून को है मेरा बर्थडे, 25 जून, 25 जून को मेरा बर्थडे पड़ता है। आपको बुक्स मिल जाएगी, आप टेंशन मत लो। हनी सर की हनी, हनी सर की हनी, चलिए। तो गाइज, आई होप यू लव दिस सेशन। 5:30 बजे आपका यहाँ पे एमसीक्यू सेशन होगा, कंडक्ट होगा, होगा, होगा। सो मिलते हैं आपके 5:30 बजे एमसीक्यू सेशन में। अंटिल देन, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद स्टूडेंट्स, लव यू ऑल। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट जरूर करके बताना कैसे सेशन कैसा लगा, और मेरा ये सफेदी की चमकार कैसी लग रही है, राइट। बस आपका बर्थडे पता करना। अच्छा जी, ऐसा क्या, चलो, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल गाइस, जय हिंद। मिलते हैं 5:30 बजे अपने एमसीक्यू सेशन में।